This is Jasti, South Style. Hi, my name is Siddhi. Hi, I am Sanjana. Hi, I am Manjit Tyagi. Hi, I am Arun Mure. Hi, I am Akkafya. Hi, I am Shiva. Hi, this is Ragini. My name is Gopal. Hi, my name is Rocky. Ab kar dunga in sabki chutti. Hi, myself Payal Gupta, I'm from Lucknow and इस movie में संजना का character कर रही हूँ जो कि एक चुलबुली लड़की है but sometimes वो serious भी होती है अपने friends को लेकर कुछ college में ऐसी stories होती हैं and आगे की जो story होगी वो आप suspense में because अगर मैं सारा reveal कर दूँगी तो फिर movie का मतलब ही नहीं बचेगा okay thank you hello my name Priya Gupta और I'm from Bihar और इसमें काव्या का कैरेक्टर मैं कर रही हूँ सो बहुत जैसा कि एक लड़की होती है डिसेंट टाइप की वैसा है मेरा कैरेक्टर नॉटी सी है मस्ती खोर है इंजॉयफुल है बस हाय माय नेम इज़ आर्ची वनकर और मैं मध्य प्रदेश से हूँ इस मूवी में आई एम अ गर्ल नेक्स्ट डोर बहुत ही शांत है अपनी दिल की बातें ऐसे जाहिर नहीं करती है बट व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप शी इज़ ऑलवेज रेडी सो दैट्स द पॉइंट जैसा इस मूवी में कैरेक्टर है वैसे ही आपको एक्चुअली हाँ थोड़ी बहुत हूँ ज़्यादा मतलब रिजर्व हूँ इंट्रोवर्ट हूँ बट इट्स फाइन व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप इट्स समथिंग कि मुझे कुछ अलग करने पहली मूवी नहीं ये मेरी दूसरी मूवी पहली मूवी कौन सी थी मैंने सुमित सर के साथ ही इघन मूवी की है इससे पहले कुछ सीरियल्स किए हैं और ये मेरी पहली हिंदी मूवी है ये मेरी सेकेंड मूवी है आपका कैरेक्टर के बारे में बताइए किस किस तरह का कैरेक्टर है इस मूवी जैसे ये कैरेक्टर है मेरा मैं वैसे रियल में हूँ मैं मस्ती खोर हूँ चुलबुली हूँ नॉटी सी हूँ सेम आप हाँ इस मूवी में मेरा जो कैरेक्टर है मैं उससे थोड़ा डिफरेंट हूँ बिकॉज अभी क्या है मूवी के अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा एंड जैसे मैंने बताया कि सारा कुछ अगर हम अभी रिवील कर देंगे तो फिर मूवी का मजा नहीं रहेगा तो बट इस मूवी की शूटिंग कहाँ कहाँ पर हुई है इस मूवी की शूटिंग अभी कहीं हुई नहीं है स्टार्ट होने जा रही है हाँ बीकानेर नागौर का प्लान है एंड आगे देखते हैं क्या होता है एंड बात करें इस मूवी की काफ़ी मैजिकल लव जैसा दिख रहा है ये थॉट किसके दिमाग में आया था मैजिकल लव क्योंकि लव के ऊपर काफ़ी फिल्में बन चुकी है प्रोड्यूसर तो फिर कौन कौन का साथ दे रहा है इस मूवी में आपके साथ कौन कौन है जितने भी हमारे टीम में सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं बात करें इस मूवी की ये मूवी आपने फर्स्ट मूवी ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको कितना एक्सपीरियंस मिला फर्स्ट मूवी से और आपने कितना इस मूवी में और मेहनत की इस मूवी को अच्छा बनाने में होता क्या है व्हेन वी डू अ मूवी हम लोगों को एक एक्सपीरियंस मिल जाता है लोगों के साथ कैसे चलना है कैसे उन सबके साथ बिहेव करना है तो वो एक है कि लोगों के साथ डेवलप कैसे होना है कैसे उनके साथ में एक टीम बननी चाहिए और कैसे हम लोगों को उनके साथ काम करना चाहिए तो जब हम एक बार काम कर लेते हैं किसी के साथ तो इट्स क्वाइट ईजी कि हम जब दूसरी बार काम करते हैं तो लोगों के साथ मिलने में और उतना और ईजीपन लगता है सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नाइस कैसा रहा है डायरेक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस और बाकी एक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा तो कुछ कहना चाहोगे कुछ उनके बारे में फिल्म के बारे में फिल्म बहुत अच्छी है मैजिकल लव है ये मतलब लव के ऊपर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी अजीम अजीम खान एंड दिस इज़ माय फर्स्ट मूवी और मेरा यहाँ कैरेक्टर है हरियाणवी तो हरियाणवी आपने सीखी इसके लिए नहीं वो एक्सेंट मैंने पकड़ा है मूवीज़ देख देख कर तो फिर पहली मूवी जैसे कि हाँ ये मेरी फर्स्ट मूवी है कितना मज़ा आया इस मूवी मज़ा आएगा आपको मूवी मज़ा तो आएगा ही बहुत कास्ट अच्छी है टीम अच्छी है प्रोड्यूसर्स अच्छे हैं तो आपने ट्रेनिंग नहीं किसी चीज़ की मूवी के लिए नहीं नहीं तो मतलब आप फ्रेशर हो फ्रेशर तो फिर एक्चुअली डेब्यू तो आपके रोल मॉडल कौन है जैसे कि आप अभी एक्टर बन रहे हो तो रोल मॉडल कोई रोल है एक्चुअली मैं फॉलो किसी को नहीं करता खुद के फॉलो हाँ वैसे समझो हेलो माय नेम इज़ वैभव राठौर और मैं इस मूवी में एक आर्यन मोरे करके कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उस कैरेक्टर के बारे में बताया आर्यन मोरे कैरेक्टर एक बिंदास करके सबको सपोर्ट करता है हेल्पर है और मतलब बहुत हाँ दोस्तों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है इसमें कोई लव सीन है आपका जो आप हाँ कपल है ट्रायंगल है लव सीन का स्वच्छ तो आपका कोई रोल मॉडल है फिर आप एक्टर हो कोई रोल मॉडल किसको ध्यान में रखते हो आपने एक्टिंग शुरुआत की नहीं मैंने तो एक मराठी मूवी से ही लिया हुआ है स्वप्निल जोशी करके दुनियादारी मूवी उनको ही फॉलो करता हूं इसके पहले आपने कोई मूवी की हाँ एक की है लेकिन वो पोस्ट प्रोडक्शन में एक मूवी की है हेलो आई एम रोनजय रोनजय हाजरा आई एम फ्रॉम कोलकाता ये इस फिल्म के बारे में कैरेक्टर मेरा कैरेक्टर का नाम शिवा है
ये एक दिल्ली का लड़का है, जैसे दिल्ली के लड़के होते हैं दिल फेक, एकदम फुल टू मस्ती बास एक लड़का है। और ये कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि जो जो डायलॉग्स हमें दिए गए हैं, जितने को एक्टर्स हैं हमारे, जितने हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, तो उनके सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा, आई होप सो। लव सीन वो तो आपको वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा, बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि हमारी जनरेशन के जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं वो सब इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। एवरीवन शुड गो एंड दे विल, एंड व्हेन दे गोना वॉच दिस मूवी एवरीथिंग इज गोना बी ओके। रोल मॉडल अगर वैसे कहे तो इंडियन सिनेमा से तो अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती जितने भी लेजेंड्स हैं वो तो है ही, पर एक है जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, लियोनार्डो द कैप्रियो, जिनकी तरह मुझे बनना है एक्चुअली। सो दैट्स ऑफ क्या देखिए स्टोरी लाइनअप वो तो हम रिवील नहीं कर सकते। बेस तो वही है कॉलेज स्टूडेंट्स है, हमारे कॉलेज में क्या क्या होता है डेली लाइफ के, हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या क्या झेलना पड़ता है उनको, जिस रूट से वो जा रहे हैं ये वो, उसी को लेकर क्यूट सी सॉफ्ट सी एक क्या कहें मतलब सब कुछ है इसमें। अगर आप एक्शन देखना चाहते हो एक्शन भी मिलेगा, अगर आप रोमांस देखना चाहते हो रोमांस भी मिलेगा। सो एवरीवन विल गो और सब जितना जितका एक्सपेक्टेशन जितना है सबको वही मिलेगा। इससे पहले कोई मूवी की आपने? हाँ इससे पहले जो मूवी की यहीं पे पोस्टर है आप देख सकते हो वो मैंने ही का। सो कितना उस कैरेक्टर से कितना अलग होने वाला है? कैरेक्टर बहुत अलग है, कॉलेज स्टूडेंट्स वो भी था ये भी है, बट क्या कहूँ मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग है। वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बहुत ही शाय किस्म का लड़का है, यहाँ पे मैं बिल्कुल दिल फेक एक क्या कहते हैं एकदम फुल टू जो कहते हैं समझ सकते हो वैसा कैरेक्टर, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। बात करें आपसे कि एक्टर हो, आपने कभी आपने कुछ सोचा होगा फ्यूचर में जाके इस एक्टर की तरह बनना है, वो कौन है? अभी मुझे तो फिलहाल मैंने स्वप्निल जोशी के बारे में सोचा है, उनके जैसे एक्टर बॉलीवुड में बात कर रहा हूँ तो मराठी इंडस्ट्री के। हाँ लेकिन मैं आपका मराठी करने वाला की जाके? नहीं 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 मैं तो फॉलो इनको ही करता हूँ स्वप्निल जोशी को, और अगर हिंदी में कभी सोचा जाए तो आमिर खान। हाँ हाँ उनको फॉलो करता हूँ। और आप आगे जाके किस तरह बनना चाहोगे? खुद की इमेज बनाना चाहूँगा ऑब्वियसली। देख होता है ना किसी को देख के हम सीखते हैं कुछ, बॉलीवुड में कोई एक्टर एक्ट्रेस वैसा सीक्रेट होता है बताया नहीं जाता। वो कुछ म्यूजिक के बारे में बात करें इस मूवी के बारे में, मूवी कुछ तो म्यूजिक बनी होगी, कुछ तो धुन होगी, कुछ याद है कुछ मूवी की म्यूजिक वो आप सुन लीजिएगा थिएटर में। हाँ सर डायरेक्टर सुमित उमाड़े करके है और म्यूजिक डायरेक्टर अपने कल्याण बर्धन जी, उनके बारे में एक मिनट। सुमित सर सर आप भी आओ ना। डायरेक्टर सुमित उमाड़े और म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ मेरा नाम सुमित उमाड़े है। इस मूवी में आपका किस तरह का योगदान है? ये फिल्म में ये फिल्म का डायरेक्ट इस फिल्म का मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ। नहीं एज अ डायरेक्टर फिल्म डायरेक्टर। तो उसके बारे में बताया कुछ, कहाँ कहाँ शूट होने वाली है, क्या सोचा आपने इस मूवी को लेके? सोचा तो बहुत कुछ है अभी, बाकी सब आपको थिएटर में ही मिलेगा। जो सोचा है मैंने यहाँ पे अगर दिखा दूंगा तो बहुत ये हो जाएगा, वो देखने के लिए मज़ा भी नहीं आएगा। और शूट का देखा जाए तो इसका शूट हमारा राजस्थान बीकानेर उधर ही होने वाला है पूरा। तो फिर इससे पहले आपने कौन से पिक्चर? इससे पहले मैंने दो तीन फिल्में की है, एक मराठी की है जब जस्ट मेरा फिल्म अभी मैं दो तीन महीने पहले करके आया हूँ एक मराठी इगन करके जो पोस्ट में है, और ये मेरा अगर सोचा जाए तो हिंदी का ये मेरा डेब्यू समझो मेरे लिए। तो कितना एक मराठी डायरेक्टर को हिंदी में आके काम करना तो कितना डिफिकल्ट होता है मराठी से स्विच करना हिंदी में? काफ़ी डिफ़िकल्ट तो होता है लेकिन इतना मुझे नहीं हो, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहा हूँ जिस लोगों के साथ रहा हूँ इसलिए मराठी हिंदी मेरे लिए कुछ नई नहीं है। और सपोर्टर बहुत सारे हैं, जैसे कि दादा मेरे को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं कि भाई तू कर बाद में देखते जो होते हैं देख लेंगे अपन। इस मूवी की कास्टिंग कैसे हुई उसके बारे में बात की जाए? साथ एक मराठी दो मराठी फिल्म की है म्यूजिक एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो इनका काम देख के मेरे को लगा कि यार सुमित के साथ कुछ काम करना चाहिए, तो बोला दादा म्यूजिक करना है। तो इस फिल्म में 5 गाना है, 2 गाना रोमांटिक है और फिर कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर जो आजकल तो कलर है। बस मेहनत है आगे गाना सुनिए ऐसा कहते हैं। मूवी तो बनती रहती है लेकिन म्यूजिक काफ़ी मूवी का ऐसे म्यूजिक भी काफ़ी होता है, मेहनत लगी म्यूजिक बनाने में? मतलब काफ़ी मेहनत हमने किया है इसमें, कम से कम 1.5-2 महीना म्यूजिक में बैठे थे और लिरिक्स में मतलब कई चेंजेस लाए हैं। अभी सिंगर भी हमने बहुत अच्छे लिया है, बुद्धादित्य बोल सिंगर है जो अभी शूट सत्र से आया है, तो
मेरा इससे पहले भी एक फिल्म गाए है माहिर उगल के, अभी जो प्रोमो चल रहा है मेरा टीवी में, तो वही सिंगर से ये फिल्म में गवाया, लेकिन अच्छा गाया है। आपने इससे पहले कौन कौन से म्यूजिक फिल्म? तो सर मेरा 13-14 फिल्म है, इसमें देखिए एक किया हूँ रंजीत भट्टाचार्य के, एक फिल्म किया हूँ दादा कहाँ गए, हाँ एक्सप्लॉयड बोल के एक फिल्म है जो भी सेंसर हो गया रिलीज में है, एक किया हूँ क्यों लगते अपने हैं मिंटू सिंह जिसने अभी सोहेल खान का असिस्टेंट है उनका भी फिल्म अभी आने वाला है मेरा, और एक माहिरू किया हूँ विट्ठल वेतुरकर डायरेक्टर है उनका ही किया हूँ, बाकी सुमित जी का एक फिल्म किया हूँ मैं एक गलती माफ है ना, एक गलती माफ उसका भी किया हूँ, एक फिल्म इनका ही घन मराठी है मराठी फिल्म किया है उसमें भी म्यूजिक किया हूँ, बाकी ये दो है एक मैजिकल लव वो मैं नहीं, दोनों में मेरा म्यूजिक है। आपने इसे बोला इस मूवी में दो गाने बन चुके हैं, तो फिर क्या बोल होने वाले उस मूवी गाने के? कौन सा ये मैजिकल पहली नज़र में सनम दिल ये दीवाना हुआ, ख्वाबों ख्यालों का मंजर अब ये सुहाना हुआ। अभी इस फिल्म में बनाने के लिए जो सपोर्ट लगता है जो प्रोड्यूसर हमारे मतलब उनके वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि अपने मुस्तफ़ा खान सर, उसके बाद में सुदर्शन पवार सर, महेंद्र वारेकर सर, मुस्तफ़ा अपना मुबारक खान शेख सर, इनके सपोर्ट के वजह से और इनके विश्वास के वजह से हम यहाँ तक पहुँच सके। और रिसेंटली अभी जल्दी से जल्दी हम इस पर शूट पर भी जाएँगे, 2-3 दिन के बाद हम इसको शूट पर निकलेंगे इसके लिए। इसमें कोई फेम चेहरा दिखने वाला है कहीं कैमियो किसी का? अभी कैसा कि फिल्म में स्टारकास्ट तो होता है, लेकिन हमने इस बार थोड़ा सा अलग सोचा, ये सोच हमारे प्रोड्यूसर लोगों की है, क्योंकि हर कास्ट को लेके तो हर कोई फिल्म बनाएगा, लेकिन जो न्यू कमर्स है मतलब इन्होंने भी काम किए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है, लेकिन एज अ लीड या तो सब चीज़ों करके जो ये फिल्म में उनका ये था कि भाई हमको एक फ्रेशर लोग चाहिए जो कुछ करने की चाह हो उनके, और ये सब लड़कों में वो चीज़ है, हीरोइंस में वो चीज़ है कि वो जो दिलो जान से, अभी हम कम से कम 8-10 दिन से वर्कशॉप कर रहे हैं, तो फुल सपोर्टेड कर रहे हैं सब लोग। क्या लगता है आपको कौन कितना मस्ती कर रहे हैं वर्कशॉप के दौरान, आपको पता चला हो? अभी सबने सोचा जाता है सबसे ज़्यादा मस्ती कर मैं ही हूँ सबको परेशान मैं ही करता हूँ, लेकिन है सब लोग है, जैसे कि वैभव रोनोजाय भी है और अजीम भी है, बाकी तीनों लड़कियाँ भी है, अपना क्या बोलते जो कॉमेडियंस है हमारे वो भी बहुत सारे, मतलब जैसा उनका कैरेक्टर है उस हिसाब से वो लोग भी है। ओके, दिस इज सतीश कुमार और मैं इस फिल्म में एक बिहारी लड़के का कैरेक्टर कर रहा हूँ और जिसका नाम है गोपाल, और कैरेक्टर देखा जाए तो जो जिस चीज़ को मैं चाहता था वो चीज़ मेरे को मिल गया, और आप मेरे शक्ल पे जा रहे हो वैसे ही सेम टू सेम मेरा कैरेक्टर भी है, एकदम चुलबुला जो बिहार से आया हुआ लड़का अपने बाप का सपना पूरा करने के लिए कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन उसको दोस्त कैसे कैसे मिलते हैं और बाद में ढेर सारी मस्तियाँ होती है। बस कॉमेडी करके दिखाएंगे इसे कि आप कॉमेडियन? हाँ, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें एक मेरा डायलॉग बोले तो एक सॉन्ग है जो भोजपुरी में है, मैं आपको बताता हूँ। एगो नेमुआ दो चार गो मिर्ची लटकैबू कैसे चोटी में, तो ऐसा मेरा कैरेक्टर है, और इस फिल्म का देखा जाए तो ये एक छोटा पार्ट का एक डायलॉग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया कॉमेडी के तौर पर, बस यही। और देखा जाए तो इसमें मैं आभारी हूँ, जो मेरे को थैंक्स कहना चाहिए वो मेरे डायरेक्टर सर सुमित सर और बाकी जो प्रोड्यूसर और साइमा प्रोडक्शन का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, मैं दिल से थैंक्स उनको कहना चाहता हूँ। और ये मेरे लिए देखा जाए तो एक ये इसको क्या बोलते हैं सपना है, अचीवमेंट है, सब कुछ यही है जो मेरे को साइमा फिल्म प्रोडक्शन से पूरा होने जा रहा है। हाँ हाँ, मेरा रोल मॉडल जो देखा जाए तो साउथ के हैं ब्रह्मानंदम जी, और आप इस फिल्म में को अगर देखोगे, क्योंकि पब्लिक का जो एक व्यू रहता है इंटेंशन रहता है कि हम मूवी को क्यों देखें, तो मैं ये आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस मूवी को नहीं देख रहे हो तो सपोज़ आप लोग बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो, क्योंकि इस फिल्म में देखा जाए तो साउथ स्टाइल का एक्शन है, हिंदी फिल्म का रोमांस है,
और भोजपुरी फिल्म का भी जो तड़का होना चाहिए वो भी है इसमें, और देखा जाए तो तीनों का मिक्सचर ही है फिल्म, जिसको जिसका नाम है म्यूजिकल लव, मैजिकल लव। जैसे आपने कहा बाप ब्रह्मा ने काफ़ी बड़े फैन हो, हाँ उनका कोई डायलॉग हो जैसे कि आप अपने स्टाइल में बोलना चाहते हैं? उनका डायलॉग है, उनका तो बहुत सी मैं फिल्में देखता हूँ लेकिन कुछ याद नहीं, लेकिन तो भी उनके आवाज़ में मैं बोलना चाहूँगा, तूने मुझको बोला तूने अपने आप को क्या समझ के रखा है। हाय दिस इज सूर्य दुबे और मैं इस फिल्म में एक साउथ इंडियन लड़के का कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसका नाम है ST। अब साउथ इंडियन है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि साउथ का स्टार कोई ना कोई तो घुसा ही होगा। तो फिर वही है कि थोड़ा सा साउथ का तड़का, और फिर कॉलेज में जब आके आता अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग बिहेवियर मैच करता है, तो लोगों से जो क्रिएशन जो क्रिएटिविटी निकलती है फिर उससे कॉमेडी का तड़का लगता है। सर लगता तो मैं ऋतिक भी नहीं हूँ लेकिन पब्लिक बोलती है ऋतिक दिखता है। लेकिन क्या है ना सर कि देखोगे तो आपको मज़ा लगेगा, है ना, और फिल्म की शुरुआत ही कॉलेज से, लोग जानते हैं कि कॉलेज में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, तो सारा डिस्कशन हम यहीं पे कर लें, उससे जब फिल्म देखेंगे मज़ा आएगा डेफिनेटली। सही पकड़ा आपने। देखिए इस फिल्म में मेरा नाम ST है, तो मेरा नाम साउथ स्टाइल और यह मेरा चेला गोपाल, समझा क्या? इसके लिए साउथ का एक्सेंट पकड़ने के सर एक्चुअली क्या होता है, साउथ की फिल्में आप देखते होंगे तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो सीखने लायक होती हैं, सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं से भी आप सीख सकते हो, ठीक है, लेकिन साउथ ट्यूनिंग पकड़ने के लिए ये एक ईजी टोन है ना, हर आदमी पकड़ सकता है ईजिली, तो इसके लिए आपको एक अलग से कहीं से क्रिएटिविटी लाना, हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं साउथ होता ही होता है। रोल मॉडल सर नाना पाटेकर जी को मैं मानता हूँ, और थोड़ी बहुत उनकी तरह कोशिश करता हूँ कि मैं भी अच्छा काम करूँ डेफिनेटली, तो कहीं ना कहीं मैं भी उनकी थोड़ी सी मिमिक भी कर लेता हूँ, चाहिए तो आपको मैं सुना देता हूँ, है ना। अच्छा, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अभी तक क्या चीपड़े दिखते थे, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके फिर सुबह तक मुझे प्यार करो, ऑफिस में कौन तुम्हारा बाप जाएगा, राजा को रानी से प्यार हो गया, नहीं तो क्या नौकरानी से होना था, बिना पायल के भजे घुंघरू औरत है या भूतनी, एक कांटा लगा तू डेटॉल लगा, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे रात को, क्या अलग सेटिंग है, सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगी सजना यही प्यार, ए लड़की भाग, प्यार व्यार कुछ नहीं भाग, भूकंप है। अच्छा बस आप लोगों का प्यार मिला उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू गॉड फ्रॉम दिल्ली। इन इस मूवी में मैं रॉकी का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कि एक बिगड़े हुए बाप की औलाद है और उसका डैडी प्रिंसिपल है कॉलेज का, वो कैरेक्टर है मेरा। जैसे आपने कहा आप इस मूवी में बिगड़े औलाद का एक अमीर बाप की किरदार निभा रहे हैं, तो फिर रियल लाइफ में आपका कितना कनेक्शन है इस मूवी में? रियल लाइफ में मैं बहुत चेंज हूँ, बिल्कुल बिगड़ा हुआ नहीं, नहीं बिल्कुल, मेरे लिए बिल्कुल नया कैरेक्टर है। इससे पहले मैंने दो मूवी की है जिसमें एक लव स्टोरी है और दोनों में अलग कैरेक्टर है, इसमें बिल्कुल अलग, और मैं आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। कितना खास होने वाला है उस मूवी का कैरेक्टर और उस मूवी का हटके कैरेक्टर इस मूवी का, तो कितना खास होने वाला आपके लिए? बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि निगेटिव रोल है और जो मैं हूँ नहीं वो मुझे प्ले करना है, तो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। जैसे आपने कहा आप नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन जैसे वैसे आप हो नहीं, तो फिर कहाँ से इंस्पिरेशन आया, जैसे ये रोल आपको मिला और कहाँ से? देखिए ऐसा है क्या, एक एक्टर को कुछ भी करा लीजिए आप, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कैसा भी हो कर देता है, और मैं एक्टर हूँ, मुझे प्ले करना है ये रोल, मेरी कोई खास बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो बहुत हैं बट मैं सनी पाजी को बहुत पसंद करता हूँ हीरो में, और एक्ट्रेस तो ऑल जानते हो सब अच्छी है। हाय मेरा नाम दीपक गोरेवार है, इस ये मूवी में मैं ड्रग्स माफिया का रोल प्ले करने वाला हूँ। ड्रग्स माफिया मतलब आप तो काफ़ी पहुँचे हुए लग रहे हैं इस मूवी में। हाँ मूवी में काशी का रोल प्ले करने वाला हूँ। कैसा करेक्टर होने वाला है इस मूवी में आपका? एकदम ज़बरदस्त, देखने के बाद पता चलेगा। इससे पहले आपने कुछ मूवी किए? हाँ किया हूँ, दो मराठी किया हूँ, पहले अपना सुमित सर का ही मराठी फिल्म है उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया है। तो जैसे आप शायद इस मूवी में आपका नेगेटिव रोल होने वाला है, आपकी लुक को देख के लग रहा है, कितना मेहनत करना पड़ा है इस मूवी के लिए?
काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। और बात करें तो फिर कितना मज़ा आने वाला है अभी आगे जाके इसमें? बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि एक कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ इसमें नया सीखने के लिए मिलेगा। बात करें जैसे कि काफ़ी स्टार है इसमें, नए सब नए कलाकार है, तो फिर कितना मज़ा आ रहा है? नए तो नहीं है, हर एक ने दो दो तीन तीन मूवी किया हुआ है। फिर भी होता है ना, एक नया जब हर नया मिलता है तो नया बनता है। उसके बारे में क्या बताऊँ, सब अच्छे ही कलाकार है और वर्कशॉप में हम लोगों ने देखा भी है सबका एकदम फर्स्ट क्लास, ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, दिखने बाद मज़ा आएगा और बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा क्योंकि एक कंसेप्ट ऐसा है कि इसमें कुछ अलग मिलने वाला है, मतलब देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। तो रोल मॉडल आपका जिसे आप देख के बनना चाहोगे? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं, हेलो, मेरा नाम आभार हिवराड़े, मैंने इस पिक्चर में एक लेडीज़ गाना लिखा है, वो उस पिक्चर का मैं नाम मैजिक अल्लो है। कौन कौन से गाने, कितने गाने लिखे हैं? मैंने एक गाना लिखा है। तो इसके पहले आपने किस किस मूवी के लिए गाना अपने लिरिक्स दिए? नहीं, मैंने इसके लिए कोई नहीं किया, पर ऐसे सिंगर के लिए गाते हैं खाली, वो उसमें रिलीज नहीं हुए हैं। मेहनत लगता है लिरिक्स को, क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है किसी भी गाने को लिखने के। गाने तो बहुत सर लिखे हुए हैं लेकिन क्या करें, यहाँ तक पहुँचे नहीं थे, लेकिन हमारे कल्याण जी, सुमित जी ऐसे, इन्होंने हमको यहाँ तक लाया, आगे देखते हैं और क्या। किस तरह का सॉन्ग आपने लिखा है सर? वो सर अभी तो मेरे ख्याल में नहीं, पर लिरिक्स की इसमें है, तेरे बालों में देख कर फूल, ये ऐसा क्या रोमांटिक होने वाला है? एकदम रोमांटिक होने वाला, एकदम सही है सर। तो कितना मज़ा आने वाला है अभी काम करके? मज़ा तो आने वाला है, मेहनत हम कर रहे हैं, मज़ा भी आ जाएगा, आगे देखते क्या होता है। बुरी तरह से कोई फेवरेट लिरिसिस्ट जिसे आप देख के सीखो कुछ? जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लिरिसिस्ट हैं जो गाने कोई आशा जी, हमने गाने तो मेरे पास में बहुत है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ तक पहुँचने अभी काम चल रहा है अपना। महेंद्र वारेकर और इस फिल्म को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिल्म का नाम है मैजिकल लव। इस मूवी के बारे में बताइए, किस तरह की होने वाली है मूवी? किस तरह की होने वाली है मूवी? इस तरह की आज का जो चलता है जनरेशन है, वो सोशल मैसेज हमको लोगों तक पहुंचाना है, और ऐसे तो बहुत कुछ आज स्टोरीज हमारे पास आए लेकिन ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम लोग ये प्रोड्यूस किया। मेरा नाम मुस्तफ़ा इस्माइल खान है और मैजिकल लव इस फिल्म का नाम है, कॉलेज बेसिस पे ये फिल्म है और जो कॉलेज में रैकिंग वैकिंग चलते हैं आजकल उसके ऊपर में फिल्म आई। इसके पहले आपने कोई मूवी प्रोड्यूस किया इसके पहले में? हाँ किया था लेकिन वो रिलीज नहीं कर पाया, और एक एल्बम किया था मैंने माया का फुलवारी, वो रिलीज किया। इस मूवी से कितने एक्सपेक्टेशन है, कितना उम्मीद है इस मूवी से आपको? भाई उम्मीद तो पब्लिक के ऊपर है, वो क्या लाइक करती है कैसे, उस हिसाब से देखिए। मेरा नाम सुदर्शन पवार, मैजिकल लव का मैं प्रोड्यूसर हूँ, और ये जो फिल्म हम रिलीज करने जा रहे हैं इसके माध्यम से कॉलेज स्टूडेंट और सोशल मैसेज के जरिए कॉलेज स्टूडेंट और हर के दिल में पहुँचना चाहते हैं। आपने क्यों चुना लव? अभी प्रोड्यूसर का क्या होता है, वो हमेशा कुछ अलग तरह की मूवी से करते हैं, आपने रोमांटिक मूवी क्यों चुना प्रोड्यूस करना? ये मूवी चुनने का एक एम था कि जो आजकल कॉलेज के क्षेत्र लोग जो अलग कुछ गलत काम करते हैं तो उनको सही वक्त पे सही रास्ता देने का, अगर हम सोच रहे हैं इस माध्यम से कि उनको सोशल मैसेज जाए और जो अच्छा से अच्छा स्टूडेंट बने और ये भारत आगे जाके ये भारतीय का भारत देश का अच्छा नागरिक बने, ये हमारा इसकी इच्छा है। इसके लिए हम क्षेत्र और ये फिल्म मैजिकल लव रोमांटिक के माध्यम से हम लोग आगे जा रहे हैं। जैसे आपने बताया ये मूवी सोशल मैसेज को दर्शाएगी जी, तो आपने कुछ रिसर्च की किसी ने इस मूवी के लिए, कितनी रिसर्च करनी पड़ी इस मूवी के लिए? रिसर्च तो बहुत से सारी किए हम इस इंडस्ट्रीज आने के लिए, क्योंकि क्या है जो आज सब्जेक्ट लेके हम चल रहे हैं वो सक्सेसफुल होना और लोगों तक पहुंचना और अच्छा काम की गवाही देना, यह हमारा इस फिल्म के जरिए उद्देश्य है। इसके पहले आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, किस हम
हम पहली बार जो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, हमने इससे पहले 25 साल मार्केटिंग क्षेत्र में और मार्केटिंग और प्रेस का जो रिलेशन है वो आज PRO साहब यहाँ पर है वो तो जानते हैं। तो ये क्षेत्र इसीलिए हम चुना है कि मार्केट का जो आज तक का 25 साल का मेरे पास तजुर्बा था और ये जो चैलेंजिंग वर्क था, चैलेंज था हमारे साथ, और इस सब्जेक्ट में जाके हम कुछ अच्छा नया रास्ते पे मोड़ लेंगे, इस सोच के ये क्षेत्र में हम उतारे हैं। आज मुहूर्त है तो शूटिंग कब तक चालू हो जाएगी? इस मुहूर्त होने के बाद जल्दी से ही शूट करना हम चालू करेंगे, इन्हें ज़्यादा देर हम 20 तारीख तो हमने तय किया है, ये सितंबर 20 तारीख से शूट चालू होगा बीकानेर आउट स्टेशन में। जो प्रोड्यूसर होता है वो ऐसे बंदे पे ऐसे एक्टर पे पैसा लगा जाके उनसे प्रॉफिट हो जाए, लेकिन इस मूवी में काफ़ी सभी नए कलाकार हैं, तो फिर आप उसके बारे में जी। जो बिजनेस है लॉस प्रॉफिट तो होते ही रहते हैं, हमें लॉस और प्रॉफिट में नहीं देखना है, हम लोगों के प्रति कुछ करना चाहते हैं, सोशल मैसेज देना चाहते हैं, देश के प्रति अपना कुछ रवैया होना चाहिए, और उस वो सिद्धांत लेके हम लोग इस क्षेत्र में इस बेनिफिट कमाने के रास्ता है, इसीलिए ये मूवी नहीं कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है इस मूवी को लेके? उम्मीद से ज़्यादा मेरा एक ख्वाब है कि हर के जो देखने वाले है ये मूवी, आज के नौजवान है, उनके दिल में जाके हमारा ये सब्जेक्ट है, हम कैसे बसेंगे, ये हमारी तमन्ना है, बाकी कुछ हमको बिजनेस प्रॉफिट लॉस का हम सोच ही नहीं रहे हैं। आने वाले दिनों में साइमा फिल्म्स प्रोडक्शन में किस टाइप के जॉनर के, किस टाइप की फिल्में आप और बनाना चाहेंगे? जी आगे जाके ये हमारा पहला प्रयोग है, ये हमारी पहली फिल्म है, और इससे हम चाहते हैं कि जितना हमारा से होगा उतनी फिल्म हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा रिलीज करने की, और एक कंटिन्यूशन में फिल्म करते रहेंगे हम लोग इस साइमा प्रोडक्शन के माध्यम से। और क्या क्या साइमा फिल्म प्रोडक्शन में और क्या क्या बिसाइड्स फिल्म प्रोडक्शन में और कुछ आप फिल्म क्षेत्र में और भी कुछ करना चाहेंगे? जी ज़रूर, आगे जाके हम बहुत सारे चीज़ करना चाहेंगे, उसके ऊपर हम अभी स्टडी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ एक ही साथ नहीं होती है, इसके लिए हमें भी वक्त चाहिए। इस फिल्म में यंग टैलेंट्स आप लोग काफ़ी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी, तो यंग टैलेंट्स को आप आउट ऑफ द वे जाके प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनको फिल्म में दे रहे हैं, तो इसका कोई खास वजह है? जी आजकल क्या नए चेहरे जुने चेहरे तो है, बहुत एक्टर बड़े बड़े एक्टर है इस क्षेत्र में, उनका हम सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन नए चेहरे को संधि मिलना चाहिए कि हर नया जो देश का तरुण है उसको एक बार परखने निरखने की चांस देना चाहिए, ये हिसाब से हमने उनको चांस दिया है। हाय, मेरा नाम सिद्धता कांबड़े है, फिल्म में मेरा नाम सिद्धि है, एंड मैं मेरा कैरेक्टर है कि मैं एक हीरोइन की फ्रेंड हूँ, वो एकदम फ्रेंडली है उसके साथ बॉन्डिंग वगैरह, और ऐसे ही ये फिल्म में रिलेटेड मतलब कि क्या है कि ये फिल्म में ये रोल है मेरा, और बस ये मैजिकल लव स्टोरी है, ये कॉलेज रिलेटेड है। इससे पहले आपने कोई मूवी की है, किसी में काम किया? हाँ, मतलब मैं पहले जूनियर बुगी बुगी में मेरा सेकंड रैंक आया था, डांसिंग का वगैरह मुझे बहुत शौक है। इसी के आप डांसर हैं, इस मूवी में आपका डांस देखने मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं। तो फिर कोई रोल मॉडल आपका, कोई फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस या डांसर कोई? हाँ है, रणबीर कपूर है फेवरेट है। डांसर कोई नहीं, आप डांसर हो तो कोई? टाइगर श्रॉफ मेरा फेवरेट डांसर है। तो फिर कितना एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर? अभी मूवी रिलीज मुहूर्त आज हो गया है, अभी थोड़े दिन में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कितने एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड मैं हूँ। आपकी बॉन्डिंग अभी वर्कशॉप भी, आप जैसे डायरेक्टर ने बताया वर्कशॉप भी हो रहा है, इसके बाद अच्छी बॉन्डिंग रही है आपकी, इसके बाद मज़ा आया काम करने में, ऐसे लग रहा है आपको आएगा? सब बहुत अच्छे लग रहा है मुझे फिल्म में, ये सब डायरेक्टर्स अच्छे हैं। डायरेक्टर नहीं, बहुत अच्छे डायरेक्टर, अच्छे हैं सब, फ्रेंडली है
सब कैरेक्टर्स भी अच्छे, हीरो हीरोइन सब मिलके बहुत मजा आएगा फिल्म करने में। सस्पेंस तो रहना चाहिए ना सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। मेरा नाम स्नेहा वर्धन है, मैं इस मूवी में एक रिसेप्शनिस्ट हूँ। मूवी अच्छी है, बहुत मज़ा आया शूट पे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और बात करें इस मूवी की तो किस तरह की है मूवी? अच्छी मूवी है, रोमांस है, थ्रिल है, मस्ती है, मतलब जैसा मूवी आजकल के ज़माने में चलता है वैसा ही है। तो आपका कोई रोल मॉडल है इंडस्ट्री में, किसको देख के रोल मॉडल? माय फेवरेट एक्टर वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन जी, वो मेरा रोल मॉडल है। और नेक्स्ट माय डैड बस। लेकिन आप इतने यंग हो, यंग जनरेशन के, आप ओल्ड फैशन को अपना रहे हैं कि जरूरत नहीं है? जरूरी नहीं है हम ओल्ड फैशन को अपनाए, तो हम रोल मॉडल, इट्स नॉट लाइक दैट, बट मैं उनको ही सपोर्ट करती हूँ। इससे पहले आपने कोई मूवी की है? नहीं, मेरी फर्स्ट मूवी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, रंजीत सर ने बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करवाया। मेरी फर्स्ट मूवी है, नेक्स्ट मूवी की बात चल रही है, सो बहुत इंजॉय किया एक्चुअली। हो चुकी है इस मूवी की? हाँ बहुत। तो कैसा रहा ऑन लोकेशन शूट करना? लोकेशन इट्स फैब, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो जो लोकेशन हमने क्रिएट किया है ना, वो मीन्स मूवी में अगर दिखाया जाए तो बहुत अच्छा है। तो कुछ रिलीजिंग डेट है किस मूवी की? अब तक कुछ फाइनलाइज हुई है? वो फाइनलाइज आई थिंक 2-3 मंथ्स में आपको पता चल जाएगा। और म्यूजिक कैसा है इसमें? बहुत अच्छा है, मेरे डैड ने म्यूजिक कंपोज किया। गाने में हो इसमें? नहीं, सिर्फ शूट।